सर्दी, खांसी, जुकाम, थकान, कमजोरी, इन सब चीजों से अगर आप भी परेशान हैं तो ये बचपन वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें। बनाने में बहुत कम समय लगता है, बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप एक बार बनाकर पूरी सर्दियां इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ हमें नहीं लगेगा, सिर्फ हमें गुड़ चाहिए। तो अगर आपके पास देसी वाला जो गुड़ है जिसमें दाने होते हैं, जिसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है, अगर वो वाला गुड़ है तो और भी अच्छी बात है। पर अगर नहीं है, आजकल मार्केट में तो यही वाला गुड़ अवेलेबल है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के बराबर गुड़ लिया है। आप गुड़ की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंदाजे से लिया है, ये 1 किलो के बराबर शायद होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से बारीक बारीक कट करना है। अगर आप चाहें तो इसको ना खल्लड़ में फोड़ सकते हैं या फिर किसी पत्थर से भी फोड़ सकते हैं, पर यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जो ना बारीक कट कर रही हूँ। पूरे ही गुड़ को बारीक कट करके तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ जो है ना हमारा एकदम तैयार हो गया है। अभी सर्दियाँ काफी अच्छे से चालू हो गई है और बच्चों को सर्दी खांसी भी बहुत बढ़िया सी हो गई है। कल हमारे यहाँ क्या हुआ कि बच्चों को जो है ना आइसक्रीम दिला दी। क्यों दिलाई? मेरे हस्बैंड जी का ना दाढ़ में कीड़ा लग गया था, उसमें मवाद पड़ गया था, तो उन्होंने जो है ना लास्ट वाली अकल दाढ़ होती है ना उसको निकलवाया। तो डॉक्टर ने बोला था कि आधे घंटे बाद आपको 2-3 आइसक्रीम खा लेनी है। तो उनको लगा कि बच्चों के लिए भी लेके चलते हैं, तो बच्चों को भी आइसक्रीम दे दी। सुबह उठे तो दोनों की नाक बंद है, तो उनकी जो है ना कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो मैंने कहा अब तो ये चलता ही रहेगा, तो इसलिए चलिए इनके लिए कुछ ऐसा बनाकर रख देते हैं कि जो पूरी सर्दी भर ये आसानी से खा सके। आप इसको लंच बॉक्स में या चलते फिरते भी ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी डाला और इसको जो है ना अब हमें मेल्ट करना है। आँच को मीडियम रखे और छोड़े नहीं, बीच में चलाते नहीं तो ये क्या होगा कि तले में जो है ना चिपक जाएगा। तो जब हम गुड़ बनाते हैं, जैसे कि हमारे आसपास जब गुड़ बनता है तो इतनी बढ़िया सी खुशबू आती है, तो यहाँ पर उसी खुशबू का आनंद आपको आएगा। बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है। आप इसको लगातार चलाते जाए और गुड़ को अच्छे से मेल्ट हो जाए, साइडों से छुड़ाते जाए, नहीं तो ना तेज आँच रहेगी तो गुड़ ना जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसको मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो बिना पानी डाले भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, उसमें आपकी कुकिंग प्रोसेस और जल्दी खत्म हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि गुड़ में कुछ कचरा है तो यहाँ पर आप इसको छान सकते हैं। अगर आपको छोटा मोटा कोई कचरा दिख रहा है तो आप ऐसे ही इसको हाथ से निकाल सकते हैं। आप किसी भी बर्तन में इसको छान ले, उसके बाद फिर से कढ़ाई में डाल ले, तो इससे क्या होगा कि जो भी कचरा है, एक कंकड़ है, सब निकल जाएगा। एक उबाल आने के बाद इसको चेक करते हैं। तो पानी में डाला, अब इसको कुछ सेकेंड के लिए हम रख देंगे, ये ठंडा हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि इसकी अभी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है और कटोरी में जो हमने गुड़ डाल कर रखा था पानी के अंदर उसको देखते हैं। तो देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा गीला है, अभी हमें इसको पकाते हुए जाना है। तो हम ठंडियों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ना कुछ खास मसाले डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे सौंठ पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर, काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए, काफ़ी गर्म भी होता है। यहाँ पर डालेंगे हम दालचीनी पाउडर, ये गले की खराश के लिए भी अच्छा होता है, तो आप इसको जरूर डालें। आप यहाँ पर अपने मन पसंद के और भी मसाले डाल सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे लौंग और काली मिर्च का पाउडर, ये पाउडर मैं बनाकर रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है ना, तो सुबह सुबह इसको शहद में थोड़ा सा आधी चम्मच शहद लेती हूँ, हनी, और उसमें 1 चिमटी भर के डाल देती हूँ और बच्चों को चटा देती हूँ। स्कूल जाते टाइम ये मैं करती हूँ, तो वो ना काफ़ी समय तक पानी नहीं पीते तो उनका सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसको देखिए फिर से हम पानी में डालेंगे और फिर से जो है ना इसको चेक करेंगे। पहले से काफ़ी ये ठीक लग रहा है, पर अभी हमें जो है ना इसको और पकाना है। अगर ये थोड़ा सा भी गीला रहा ना तो क्या होगा, जब हम इसको खाएंगे ना तो ये टूटेगा ही नहीं, इतना ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर बाद ना ये आपको कुछ इस तरह से फूला फूला सा लगेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि सिर्फ कढ़ाई में जो है ना झाग ही झाग बचे हैं। तो यहाँ पर ये बाहर नहीं निकले, इसके लिए आंच को जो है ना धीमा कर दें और इसको ना पकने दें। आंच को धीमा रखे, पकने दें, बीच बीच में आप चलाते जाए और चेक भी करते जाएं ताकि पता चले कि हमारा गुड़ अभी कितना पका है। तो चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे इतने बार चेक करने की क्या जरूरत है,
किसी भी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। अब इसको जो ना फिर से हम रखेंगे और गुड़ को जो ना फिर से हम चलाते जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है गुड़ को पकने में। तो मैंने क्या करा कि इसको ना वीडियो को ऑफ करा और फिर आराम से आधे घंटे तक पकने दिया, चलाते रही, पकने दिया। तो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। तो यहाँ पर अब इसको फाइनली मैं चेक करती हूँ। तो देखिए इसको पानी में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए गुड़ का कलर इस तरह का हो जाएगा जब ये अच्छे से पक जाएगा। इससे थोड़ा डार्क भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये पकना अच्छे से चाहिए। देखिए ये इस तरह से टूट रहा है ना, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया। एकदम कट की आवाज आनी चाहिए, कट से ये टूट जाना चाहिए। तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि इसमें से कितनी बढ़िया सी आवाज आ रही होगी। साउंड बहुत ज्यादा था, चिमनी चालू थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया इसका ओरिजिनल साउंड। यहाँ पर हम थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि खाने वाला सोडा जो हम घर में यूज करते ना वही सोडा, आधा चम्मच डाला है। जैसे ही आप सोडा डालोगे तो देखिए इसका कलर जो ना थोड़ा सा बढ़िया सुनहरा हो जाएगा और ये काफी फ्लफी हो जाएगा। इससे ना गुड़ के अंदर अच्छी सी जाली बनेगी और वैसे भी जो सोडा है ना वो काफ़ी अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर इन सबको बढ़िया से हमें मिक्स करना है। उसके बाद जो है ना हमें एक थाली लेना है, थाली में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको जो है ना अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत जल्दी से निकल जाता है, तो आप किसी भी थाली प्लेट या बटर पेपर के ऊपर इसको डाल दीजिए। ये ना सेट होने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आती निकलने में, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये जो मैंने आपको सारे टिप्स ट्रिक्स बताए एकदम परफेक्ट है, आप सेम तरीके से बनाएंगे ना तो ये सेम बनकर तैयार होगा। तो देखिए इसको जो है ना अब हम डाल देंगे थाली में और इसको स्पैचुला से किसी से भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप थोड़ा सा टेप कर दें। और यहाँ पर जो है ना हम डालेंगे इसमें तिल, आप यहाँ पर सौंफ डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं, किसी भी चीज एक चीज ले ले और उसके ऊपर डाल दे। इससे क्या ना देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर हमारे घर में कोई अचानक आ जाए तो अगर हम उन्हें भी देना तो ये बहुत बढ़िया सा लगता है। बस इसको क्या करेंगे अब अच्छे से थोड़ा सा इस तरह से हम टेप करेंगे और 2-3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 2-3 घंटे बाद ये बढ़िया से सेट हो गया है, तो चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। नाइफ को इस तरह से बीच में गड़ाएंगे और इसकी थोड़ी सी किंचल उमेंच के देखेंगे। देखिए इस तरह से टूट रहा है तो इसका मतलब ये सेट है। अब किसी भी चीज़ पे हम पलट देंगे। देखिए मैंने ना एक बोरी के ऊपर इसको पलट दिया था और ये आसानी से निकल गया है। अब देखिए इसको तोड़ के देखते हैं, एकदम कटाके से टूट रहा है, फटाक से टूट रहा है। इसका मतलब ये हमारा गुड़ जो है ना परफेक्ट बन गया। तो इस तरह से ये मसाला गुड़गट्टा आप बनाएं और सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा पाए। खाने के साथ, खाने के बाद, सुबह शाम चलते फिरते कभी भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इतनी परफेक्ट ये बनी है कि कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इसको आपने घर पे बनाया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए इसकी जाली कितनी बढ़िया आई है, हमने आधा चम्मच सोडा डाला। अगर आप थोड़ा और सोडा डाल देते ना तो इसके अंदर और मोटी मोटी सी जाली आपको दिखती। बस किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर कर रख लेंगे। आप ऐसे भी नॉर्मली डिब्बे में रख सकते हैं और जब मन हो जब आप इसको एंजॉय करें। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया सी एकदम क्रिस्पी सी, आप गुड़ चिक्की भी बोल सकते हैं, पर इसको गुड़ गट्टा बोलते हैं। ये वही वाला गुड़ गट्टा है जिसे हम बचपन में खाया करते थे। तो चलिए इसको स्टोर कर लेते हैं और आप इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। राधे राधे।